भोपाल में वैलेंटाइंस डे के अवसर पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स एमपी ने अमन हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में कपल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कपल्स ने रक्तदान किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स एमपी और पुलिस प्रशासन ने गांधीनगर स्थित अमन हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में कपल्स रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आयोजन का शुभारंभ परवलिया उप निरीक्षक बीएल शाक्य, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स एमपी के अध्यक्ष अतुल भारद्वाज और अमन हॉस्पिटल के डॉक्टर रवि वर्मा ने किया। रक्तदान शिविर में कपल्स सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। उप निरीक्षक बीएल शाक्य ने बताया कि इस तरह के आयोजन से लोगों में जागरूकता आती है। रक्तदान एक बढ़िया उदाहरण है सामाजिक कार्यों का। उन्होंने बताया कि वे खुद कई बार एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं और जरूरत के अनुसार वे रक्तदान भी करते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स एमपी के अध्यक्ष अतुल भारद्वाज ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता के साथ देश सेवा करना है। 14 फरवरी प्यार का दिन होता है। इस दिन ब्लड डोनेट करने से अच्छा कार्य नहीं हो सकता। यह कैंप शहीदों को समर्पित है। कपल कंपनी एसएसआर और पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल अमर हॉस्पिटल सभी की तरफ से इसमें बहुत अच्छा काम है। डॉक्टर साहब ने ये जो रखा है प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है और इसमें सभी ब्लड डोनेशन करने के लिए सभी तैयार। जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है, हम तत्काल अपनी गाड़ी से जैसी व्यवस्था होती है अमन हॉस्पिटल लेके आते हैं और तुरंत लाते हैं। तो यहाँ डॉक्टर साहब सभी लोग इकट्ठे होकर बढ़िया अच्छा इलाज करते हैं, तुरंत देखभाल करते हैं और अच्छा रिस्पांस मिलता है यहाँ से। 14 फरवरी जो होता है प्यार का दिन होता है और जो सैनिक होते हैं हमारे, वो देश के खातिर अपना खून बहा देते हैं। और हम लोगों ने ये सोचा एसोसिएशन द्वारा कि क्यों ना हम लोग खून दे के देश की सेवा करें और नागरिकों की सेवा करें, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जो कि यहाँ पर अमन हॉस्पिटल और यहाँ के जो लोकल थाने प्रभारी हैं उन्होंने सब ने यहाँ पर मिल के ब्लड डोनेशन का यहाँ पे शिविर लगाया, जिसमें पीपल्स हॉस्पिटल वालों ने भी हमारी खूब मदद करी और लगभग अभी तक 30 से 40 लोग अब ब्लड दे चुके हैं और अभी भी अगर आप जैसा देख रहे होंगे कम से कम 25-30 लोग और भी हैं। मतलब शाम तक हमको उम्मीद है कि 100 से 150 लोग ब्लड दे देंगे। रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट करने आए कैप्टन नितिन दीप सिंह ने बताया कि रक्तदान से बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। हमारे रक्तदान से किसी की जान बचती है। उन्होंने खुद रक्तदान किया है, इससे उन्हें कोई कमजोरी या परेशानी नहीं हुई है, बल्कि उन्हें एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ है। वहीं अमन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर रवि वर्मा ने बताया कि इस शिविर में अब तक बड़ी संख्या में कपल्स सहित कई लोगों ने रक्तदान किया है। सभी सुविधाओं और कोरोना को ध्यान में रखते हुए यह शिविर का लगाया गया है। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर उनका हौसला भी बढ़ाया गया है। इस मौके पर कई बार रक्तदान शिविर का आयोजन कर चुकी और जरूरतमंद लोगों को रक्त दे चुकी सना खान ने भी रक्तदान किया। नॉर्मल महसूस हो रहा है, ऐसा कोई डर की बात नहीं है। ब्लड डोनेट करने में ऐसी कोई वीकनेस या कुछ नहीं है और जो एम्बुलेंस में अंदर जो ब्लड डोनेट वाले बंदे हैं वो काफ़ी प्रोफेशनली ब्लड ले रहे हैं और आपको इफेक्टिव टाइम दे रहे हैं अपना रिकवर करने के लिए विद द रिफ्रेशमेंट्स। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करना ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आम आदमी होता है कभी अपने ब्लड को टेस्ट नहीं कराता है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि आपके ब्लड की टेस्टिंग पूरी हो जाती है, जिससे आपको कुछ अनजाने में कोई बीमारी कुछ है तो उस समय पता लग जाती है और आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बता दिया जाता है, जो कि जिसका खर्चा अगर आप आम हॉस्पिटल में जाएंगे तो 4-5 हज़ार रुपये लगता है, तो ये भी एक फ्री हो जाता है। और इसके अलावा जब आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपके एक बोतल से 3 लोगों की जान बच सकती है, क्योंकि इसमें आपके प्लेटलेट्स बनते हैं, आरबीसीज बनते हैं और प्लाज्मा बनता है। तो ये 3 चीज़ें आपके 3 पेशेंट्स जो हैं जिनको वाकई ज़रूरत होती है उनके पास जाके तो हेल्प हो सकती है। तो ये बहुत ही पुण्य और अच्छा काम है, हर किसी को करना चाहिए आगे बढ़ के आगे। ये हम लोगों ने अभी 15 दिन पहले ह्यूमन राइट एसोसिएशन और हॉस्पिटल ने डिसाइड किया था कि एक ब्लड डोनेशन कैंप हम 14 तारीख को वैलेंटाइन डे दिन कपल रक्त शिविर लगाएंगे, जिसका थीम यही थी कि जो कपल्स हैं वो एक साथ ब्लड डोनेट करें और एक अच्छे कार्य में सहयोगी बने। तो आज हम लोगों ने 14 तारीख को जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। तो अभी तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया, कितने कपल्स ने? अभी 5 कपल्स ने कर दिया और 10 इंडिविजुअल्स लोगों ने कर दिया है। बाकी हम लोगों का टारगेट है 50 लोगों पर और 3 से 4 बजे तक शायद हो जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।